होने के लिए हम चाहते हैं कि धर्म, धर्म दर्शन और धर्म विज्ञान है क्या, ये एक उलझन का विषय बना हुआ है क्या हमारे समाज के अंदर, कि धर्म है क्या? उनको ये समझ में नहीं आता है कि धर्म है क्या। ऊपर दाढ़ी नीचे पैजामा यही धर्म दर्शन है भाई, ऊपर दाढ़ी और पीछे नीचे पैजामा। सुनिए, धर्म जो होता है वो भव्य साध्य अनुष्ठेय होता है। पूर्व मीमांसा का प्रारंभ था तो धर्म जिज्ञासा इस सूत्र से हुआ है। स्वर्ग का मोह यजेत, स्वर्ग की इच्छा रखने वाला तदर्थ प्रयुक्त विनियुक्त याग करे। स्वर्ग साध्य है और याग साधन है, इसका ज्ञान तो वेदारी शास्त्रों के द्वारा ही हो सकता है। कारीरी याग से वर्षा की प्राप्ति होती है, पुत्रेष्टि याग से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। साध्य साधन भाव का ज्ञान वेदारी शास्त्रों के द्वारा ही संभव है, मन कल्पित विधा से नहीं, प्रत्यक्ष आदि तक प्रमाणों के द्वारा नहीं। इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते भगवान का वचन है। अध्यात्म तत्व अप्रश्न होता है कि धर्म तो भव्य अनुष्ठेय साध्य है, वेदारी शास्त्र के द्वारा ही धर्म ज्ञान हो सकता है। तो वेदारी शास्त्र ही धर्म में प्रमाण है, लेकिन ईश्वर भगवत तत्व या ब्रह्म तत्व तो पृथ्वी आदि के समान सिद्ध पदार्थ है। तो ब्रह्म ज्ञान में वेदारी शास्त्रों की ही प्रामाणिकता क्यों, यह प्रश्न उठता है। इसका उत्तर है कि तीन लोक से मथुरा न्यारी, जाति गुण कर्म संबंध रूढ़ी देश काल को लेकर शब्दों की प्रवृत्ति होती है। विधावृत्ति से वेदांत वेद्य जो ब्रह्म तत्व है वह निर्गुण निराकार असंग है, सजाति विजाति स्वगत वेद शून्य है, देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सदघन सिद्धघन आनंद घन है। उसका ज्ञान भी वेदादि शास्त्रों के द्वारा ही हो सकता है। श्यामलाल की श्यामा गाय श्याम सुंदर के खेत में सुबह से हरी हरी घास चल रही है, इस वाक्य में शब्दों की प्रवृत्ति जाति को लेकर, गुण को लेकर, क्रिया को लेकर, संबंध को लेकर, रूढ़ी को लेकर, देश काल को लेकर हुई है। तो तीन लोक से मथुरा नारी, त्वम पद का तत्पद का जो लक्ष्यार्थ है उसका विज्ञान भी वेदादि शास्त्रों के द्वारा ही संभव है। इसलिए धर्म और ब्रह्म दोनों में वेद ही प्रमाण हैं। वेदिक समधिगम्य दोनों, और धर्म शब्द सिद्ध पदार्थ के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। जब व्युत्पत्ति लव्य अर्थ होगा धारणा धर्म, जो धारक हो उसका नाम धर्म है। पार्थिव प्रपंच का उपादान कारण उदय स्थान निलय स्थान विलय स्थान पृथ्वी का नाम धर्म है। पृथ्वी का उदय स्थान विलय स्थान निलय स्थान सन्निकट निर्विशेष जल का नाम धर्म है। जल का उदय विलय निलय स्थान सन्निकट निर्विशेष अग्नि का नाम धर्म है। अग्नि का उदय विलय निलय स्थान सन्निकट निर्विशेष वायु का नाम धर्म है, और वायु का उदय स्थान निलय स्थान विलय स्थान सन्निकट निर्विशेष आकाश का नाम धर्म है। अंत में आकाश की बीजावस्था अव्यक्त का नाम धर्म है। अव्यक्त प्रकृति माया या प्रधान जिसकी शक्ति है उस ब्रह्म तत्व का नाम धर्म है। इसलिए कठोपनिषद में बौद्धागम में ब्रह्म तत्व को आत्म तत्व को धर्म माना गया है। सिद्ध कोटि का पदार्थ भी धर्म है विवक्षानुपात। सामान्य नियम है साध्य अनुष्ठेय भव्य का नाम धर्म है, सिद्ध कोटि का ब्रह्म वेदांत वेद्य है। यद्यपि वह सिद्ध पदार्थ है लेकिन अवाग मनस गोचर होने के कारण वेदिक समाधिगम्य है। वेदों के तात्पर्य धर्म और ब्रह्म में सन्निहित हैं। जिसके जीवन में धर्मनिष्ठा नहीं, भगवत भक्ति रूपा ब्रह्मनिष्ठा नहीं, उसका जीवन प्रामाणिक रीति से सार्थक हो नहीं सकता। इसलिए धर्म और ब्रह्म के द्वारा ही जीवन की सार्थकता संभव है। उत्पत्ति स्थिति समृद्धि निग्रह अनुग्रह का विज्ञान भी वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से ही संभव है, अन्यथा नहीं। इस वैज्ञानिक युग में पृथ्वी का ज्ञान भी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं है। जल तेज वायु आकाश की बात तो बहुत दूर है,
इसलिए सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति सब मृत्यु निग्रह और अनुग्रह का ज्ञान वेदादि शास्त्रों के द्वारा ही संभव है। अभिप्राय यह है कि भोग चाहिए तो मोक्ष चाहिए तो अन्य पंथा विद्यते या नाय वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से ही भोग की संपलब्धि हो सकती है, मोक्ष की संपलब्धि हो सकती है। आगे या तो अभ्योदय निश्चय सिद्धि सधर्म वैशेषिक दर्शन का दूसरा सूत्र, जिससे अभ्योदय निश्चय की सिद्धि हो उसका नाम धर्म है। भाष्यकारों ने विचार किया कि अभ्योदय का अर्थ ऐसा करना चाहिए जो निश्चय में प्रयुक्त और विनियुक्त हो, इसलिए प्रसंगानुसार अभ्योदय का अर्थ तत्वज्ञान भी होता है।